हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 16 पार्ट 16 जिसका नाम है बहादुर पीटर। तो मैं इसको आपको पढ़कर समझाऊंगी। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है। हॉलैंड आपने नाम सुना होगा, ये यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। तो यह देश कहाँ है? समुद्र तट पर बसा हुआ है, मतलब समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। इसकी ज़मीन कहीं कहीं समुद्र तट से नीची है। तो इसकी ज़मीन क्या है? कहीं कहीं समुद्र के किनारे से भी नीची है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी है। अब इस देश को, ये समुद्र के किनारे बना हुआ है, तो क्या होता है कि जब समुद्र उफान पर रहता है, इसकी लहरें, तो अंदर पानी भी भर जाता है इस देश में। तो इसलिए लोगों ने इस समुद्र के पानी से बचने के लिए क्या कर रखा है? एक दीवार बना रखी है। दीवार के पास के गांव में एक मजदूर रहता था। अब दीवार के पास के गांव में, मतलब उस दीवार जो पानी से बचाने के लिए दीवार बना रखी थी, उसके पास एक गांव था और उस गांव में एक मजदूर रहता था। उस मजदूर का पीटर नाम का एक लड़का था। अब उस मजदूर का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? पीटर। पीटर स्कूल जाते समय रोज दीवार के पास से गुजरता था। एक दिन पीटर स्कूल जाते समय रास्ते में खेलने लगा। अब पीटर क्या हुआ, रोज स्कूल जाता था तो उस दीवार के पास से गुजरता था, मतलब निकलता था। एक दिन पीटर स्कूल जाते समय रास्ते में खेलने लगा। अब वो खेलता खेलता स्कूल जा रहा था। वह स्कूल में देर से पहुंचा, इसलिए शाम को शिक्षक ने उसे 2 घंटे के बाद छुट्टी दी। अब वो स्कूल देर से पहुंचा तो उसको पनिशमेंट मिली। जैसे आप लोग लेट आते हैं स्कूल तो आपको पनिशमेंट दी जाती है ना, तो वो टाइम से नहीं पहुंचा, देर से पहुंचा, तो उसको शिक्षक ने क्या हुआ, 2 घंटे बाद छुट्टी दी। मतलब जब सब बच्चों की छुट्टी हो गई थी, उसके 2 घंटे बाद उसको छुट्टी मिली। संध्या हो चली थी, दिन छिपने को था। पीटर तेज़ी से घर की तरफ जा रहा था। उसकी नज़र दीवार में से एक जगह बहते पानी की ओर गई। अब संध्या हो चली थी, मतलब शाम हो गई थी, वो वैसे ही 2 घंटे लेट गया था। दिन छिपने को था, मतलब सूरज अस्त होने वाला था। वो पीटर क्या हुआ, तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था। पीटर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी नज़र दीवार में से एक जगह बहते पानी की ओर गई। अब उसकी नज़र कहाँ गई, दीवार में से बहते हुए पानी की ओर गई। पहले तो उसने उसकी एक तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु थोड़ी दूर आगे जाकर उसे ख्याल आया कि अगर दीवार में से आते पानी को रोका ना गया तो रात भर में दीवार टूट जाएगी और सारा गाँव पानी में डूब जाएगा। अब क्या हुआ, उस दीवार में एक होल हो गया था, छेद हो गया था, जिसमें से उसको पानी दिख रहा था। तो उसने सोचा, पहले तो उसने क्या हुआ, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी दूर जाकर उसको ध्यान आया कि अगर दीवार में से आते पानी को नहीं रोका मैंने तो क्या होगा, ये रात भर में ये दीवार टूट जाएगी और सारा गाँव पानी में बह जाएगा। वह वापस लौटा, उसने मिट्टी से दीवार के सुराख को बंद करने का प्रयत्न किया। वो वापस आया उधर और उसने क्या करा, मिट्टी से दीवार के जो सुराख था, उसमें छेद था, उसको बंद करने की कोशिश की, मगर उसे सफलता न मिली। पानी मिट्टी को बहा देता था। अब मिट्टी के आगे तो पानी, मतलब मिट्टी पानी के आगे नहीं टिक सकती। उसने जब मिट्टी लगाई तो पानी के बहाव से मिट्टी निकल गई, तो वो उसमें सफलता नहीं मिली उसको। उसे एक तरकीब सूझी, मतलब उसको एक आइडिया आया। उसने थोड़े पत्थर और उस सुराख में भरे और फिर उसने अपने पेट से उस सुराख को रोक रखा। उसने उस छेद में क्या करे, थोड़े से पत्थर भर दिए और फिर अपने पेट से उस सुराख को भर दिया। सुराख को बंद करने के लिए रोक के रखा, मतलब खुद खड़ा हो गया उसके आगे। इससे पानी बंद हो गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर में किसी आने जाने वाले से गांव में खबर दूंगा और लोग आकर दीवार ठीक कर देंगे। वो ये सोचकर खड़ा रहा कि अब जब यहाँ से कोई निकलेगा तो मैं गाँव के लोगों को ये बता दूंगा और वो उसकी मरम्मत करने के लिए किसी को ले आएंगे। रात हो गई मगर वहाँ कोई नहीं आया। अब पूरी रात हो गई, वहाँ से कोई नहीं निकला। पीटर अपनी जगह से ना हिला, वह सारी रात उस जगह पर पेट लगाए खड़ा रहा। लेकिन पीटर को डर था कि ये पत्थर भी बह जाएंगे और पानी बाहर आ जाएगा और फिर गांव में पानी भरने लगेगा। तो वो पूरी रात ही अपने पेट के सहारे से टिका हुआ उस दीवार की तरफ खड़ा रहा। उधर जब पीटर घर न पहुँचा तो माँ बाप को उसकी चिंता हुई। अब जब बच्चा घर नहीं पहुँचा तो उसके मम्मी पापा को क्या हुई, उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने उसके साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि पीटर रात देर से स्कूल पहुंचा था, इसलिए उसको शिक्षक ने देर से छुट्टी दी। अब जब उन्होंने अपने उसके दोस्तों से पूछा तो उसके दोस्तों ने कहा कि पीटर आज स्कूल लेट पहुंचा था, इसलिए क्या हुआ, उसको टीचर ने देर से छुट्टी दी थी। माता पिता ने मान लिया कि देर हो जाने के कारण शिक्षक ने पीटर को अपने यहाँ रख लिया होगा, वे निश्चिंत हो गए। अब उसके मम्मी पापा को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने सोचा कि पीटर को देर से छुट्टी दी तो
शिक्षक ने यानी टीचर ने क्या करा होगा कि उसको अपने यहाँ ही रख लिया होगा और वो निश्चित हो गए। उधर पीटर सारी रात उसी तरह खड़ा रहा। ठंड के कारण उसका सारा शरीर अकड़ गया। सुबह हुई, लोग आने जाने लगे। एक ने पीटर को दीवार के पास पेट लगाए देखा, वह उसके पास आया। देखते ही वह सारी स्थिति समझ गया। उसने पीटर को अपना गर्म कोट ओढ़ाया और आगे आग जलाकर उसे तपाया, फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। अब सारी रात पीटर उसी तरह खड़ा रहा पेट लगाए। फिर क्या हुआ, ठंड के कारण अब जब पानी से वह गीला होता रहा, ठंडी हवाएं भी चलती हैं रात को, तो उस ठंड की वजह से उसका सारा शरीर अकड़ गया। सुबह हुई तो लोग आने जाने लगे। एक आदमी उधर से निकला, उसने पीटर को दीवार के पास पेट लगाकर खड़े हुए देखा तो वह उसके पास गया। देखते ही वह उसको जब उसने देखा तो उसको सब चीज़ समझ में आ गई कि ये क्यों खड़ा है। तो उसने पीटर को अपना गर्म कोट, उसने जो कोट पहन रखा था वो ओढ़ाया और थोड़ी दूर ले जाकर आग जलाकर उसको ताप तपाया, मतलब उसने एक आग जला दी जहाँ पर उसको थोड़ी गर्माहट मिले, और फिर गर्म दूध लाकर उसको पिलाया। इतने में वहाँ से बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। एक ने दौड़कर गाँव में इसकी खबर दी और दीवार की मरम्मत करने वाले को बुला लाया। देखते ही देखते दीवार ठीक हो गई। दूसरे ने पीटर के माँ बाप को इनके पुत्र की बहादुरी की सूचना दी। माँ बाप ने सारी बात सुनी तो वे अपने बहादुर पुत्र की देश सेवा पर फूले न समाए। अब क्या हुआ, इतने में जब एक दूसरे लोग आते जाते रहे तो सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और फिर एक ने दौड़कर क्या करा, एक आदमी ने गांव में खबर कर दी दौड़कर, और दीवार की मरम्मत करने वाले को, मतलब दीवार के सही करने वाले को बुला लाया। देखते देखते दीवार ठीक हो गई। और फिर दूसरे आदमी ने मीटर के माँ बाप को जाकर ये खबर दी कि तुम्हारे पुत्र ने कैसे बहादुरी का काम किया। तो माँ बाप को उसकी बात सुनकर बहादुर पुत्र की देश सेवा पर क्या हुआ, वे फूले न समाए, मतलब बहुत खुश हुए। गांव वालों ने इकट्ठा होकर पीटर का सम्मान किया। उसे कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला। सब लोगों के मुंह में एक ही बात थी, इस बहादुर लड़के ने गांव को डूबने से बचा लिया। सब ने उसको कंधों पर उठा लिया, उसका सम्मान किया, मान सम्मान दिया, और फिर सब ने एक ही बात कही कि इस बहादुर लड़के ने गांव को पानी में डूबने से बचा लिया। तो स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक बालक ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कैसे गांव को डूबने से बचाया, मतलब वो पूरी रात उस दीवार में जहाँ छेद हो गया था वहाँ पर अपना पेट पहले पत्थर भर दिए और पेट लगाकर खड़ा रहा ताकि पानी बाहर न जाए और गाँव में न भरे और गाँव डूबने से बच जाए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।